लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी एवं नेताओं के द्वारा कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर टिप्पणी करने एवं जल्द ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदलने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश महासचिव योगेंद्र लुम्बा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब लोगों का डर है और बौखलाहट है जो इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बताने की पहले कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य नेताओं के द्वारा भी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बदलने एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खत्म कर भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा लाने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जीतू जिराती ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री प्रदेश में विराजित होगा, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव योगेंद्र लुम्बा ने कहा कि वह लोग केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल स्थापित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात की बौखलाहट है कि 15 सालों की सत्ता उनके हाथ से चली गई और इससे वे भयंकर परिणाम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को यह भी डर सता रहा है कि उनकी करतूत लोगों के सामने ही आ जाएगी, जैसा कि ग्वालियर में देखा गया। वहाँ किसानों को पता ही नहीं कि उनके नाम से ऋण चल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस महासचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया, आगामी लोकसभा चुनाव में भारत की जनता बता देगी कि किसके बदलने का समय आ गया है। जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बचाए रखने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा करके हवा में एक माहौल बनाने का असफल प्रयास कर रही है, क्योंकि जो गत आरंभ हुई विधानसभा से उन्हें ये भी मालूम चल गया है भाजपा को कि लोकसभा चुनाव में इससे भी बुरी राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, और वो केवल उस स्थिति से बचने के लिए उनके नेताओं ने सुनियर भी तरीके से इस तरीके के कथन कहना चालू कर दिए, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि दीवार पे इबारत साफ लिखी दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई होने दे रही है जिनकी आंखें खुली हों। जो गांधारी युग में जीना चाहते हैं उनके लिए इसका कोई मार्ग नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के ये बयानवीर नेता गांधारी युग के रूप में अपने आप को कहीं ना कहीं राजनीति में स्थापित करने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनकी बौखलाहट जो निकल के आ रही है या डर? निश्चित तौर पे बौखलाहट भी है और डर भी है। बौखलाहट इसमें है कि 15 साल की सत्ता इनके हाथ से चली गई, और डर इस बात का है कि इसके बाद जो कच्चे छीटे इनके निकलने और खुलने आरंभ हुए उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर निश्चित तौर पे घबराहट है। और वो कर्जा माफ़ी के दौरान जिस समय पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर जब फॉर्म भरवा करके जानकारी ली, तो जैसा कि ग्वालियर में ही हजारों करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर से आरंभ हुआ घोटाला निकला है कि किसानों के नाम पे कर्जा ले लिया गया और किसान को मालूम नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के बीच में बौखलाहट है और वही घबराहट इस रूप में, इन बयानों के रूप में दिखाई दे रही है।